दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। और अभी सुबह के 9 बज रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों साथ साथ में। और देखिए, मैं ड्यूटी पर तो आ गया हूँ। मेरा तो ड्यूटी 7 बजे ही स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, मैं आज रिफ्लेक्टिव जैकेट पहन के आया हूँ। देखिए, ये भी कीमैन ट्रैकमैन को मिलता है ये जैकेट। ये ज़्यादातर नाइट में यूज होता है। नाइट में जब ट्रैकमैन की ड्यूटी होती है पेट्रोलिंग के लिए, तो इसको पहन के ड्यूटी करना पड़ता है। और कीमैन का जो रहता है ड्यूटी, वो भी पहनता है। कीमैन को भी मिलता है, सभी को मिलता है। ट्रैकमैन को भी मिलता है, कीमैन को भी मिलता है, और जो नाइट में ड्यूटी करता है उसको भी मिलता है, और जो गेट पर ड्यूटी करता है, गेटमैन जिसको बोलते हैं, उनको भी मिलता है ये सब जैकेट। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी ड्यूटी स्टार्ट हुआ है, ड्यूटी पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप सबको किलोमीटर के बारे में बताऊँगा। जो ट्रैक के बाजू में वो व्हाइट जैसा पत्थर जैसा रखा हुआ रहता है, देखिए मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे है वो, देखिए पत्थर जैसा, उस पर देखिए नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, उसी को किलोमीटर बोलते हैं। और उसको जो पत्थर जैसा बना हुआ है उसको टीपी बोलते हैं, टीपी। और किलोमीटर उस पर भी लिखा हुआ रहता है, वो जो पत्थर है उस पर भी लिखा हुआ रहता है। और इलेक्ट्रिक खम्बा देखते होंगे, देखिए उधर पीछे दिख रहा है इलेक्ट्रिक खम्भा, ट्रैक के बाजू में जो रहता है उस पर भी किलोमीटर लिखा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, उसी के बारे में मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इंट्रो में आप सब देखिए कि वो रेल का गाड़ी जा रहा था और वो यहाँ 2 दिन से रुका हुआ था। मैं उसके बारे में बताया ही, और उसका वीडियो भी मैं आप सबको दिखाया कि किस तरह से लोडिंग अनलोडिंग होता है। यहाँ पे 2 दिन से लगा हुआ था, कहीं दूसरा सेक्शन में जाके ये खाली होगा, जितना भी रेल है दूसरा जगह जाके खाली होगा। देखिए कितना लंबा था दोस्तों, ये पैनल कम से कम 250-300 मीटर का रहता है लंबा। 7 केजी का जो पैनल रहता है वो 250-300 किलोमीटर, अच्छी 250-300 मीटर का रहता है, किलोमीटर नहीं मीटर का रहता है। चलिए दोस्तों चलते हैं, आप सबको वहीं पे लेके जाके जहाँ पे टीपी है उधर ही चलते हैं। फिर मैं दिखाता हूँ आप सबको कि टीपी का मतलब क्या होता है और कितना दूर में ये टीपी दिया हुआ रहता है, यही सब मैं दिखाता हूँ अभी और बताऊँगा भी। चलिए, इधर तो टीपी है नहीं, मेन लाइन में रहता है वो टीपी। किलोमीटर जो रहता है वो मेन लाइन में रहता है, इधर यार्ड में नहीं, कहीं भी नहीं है। चलिए उधर ही चलते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी देखिए जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे टीपी है रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसी को टीपी बोलते हैं, इस पर किलोमीटर लिखा हुआ है। ऊपर में 603 है वो किलोमीटर है, और नीचे में जो 9 है वो मीटर है। ये दोनों तरफ लगा हुआ रहता है ट्रैक के दोनों बाजू, देखिए वो ट्रैक में भी लगा हुआ है दोनों बाजू, उधर भी, इधर भी और इधर भी, तीनों में सेम लिखा हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए उसमें भी 603-9 लिखा हुआ, अब्लिक करके उसमें भी आगे वाले में भी लिखा हुआ है। ये 100-100 मीटर पे लिखा हुआ रहता है, आगे 100 मीटर पे रखा है, और इधर देखिए मैं दिखाता हूँ, इधर 100 मीटर पे रखा हुआ है। चलिए मैं जाके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ भी लिखा हुआ है 603-8, देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, उसमें भी देखिए 8 लिखा हुआ है, 603-8, और उसके आगे वाले में भी। उधर देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है, इधर घटता हुआ है, उससे आगे वाला में 7 है लिखा हुआ है, इधर आगे इधर बढ़ता हुआ जा रहा है।
आगे 9 है, उसके बाद 10 आएगा, फिर वहाँ से 604 जीरो आएगा। और यहाँ देखिए चेंज हो गया है, 600 0 604 दिया हुआ है, 604 जीरो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं लिखा हुआ है। ये 100 मीटर पर रहता है, इसके 100 मीटर के बाद फिर 604 एक आ जाएगा आगे। इधर मैं दिखाता हूँ, आगे टीपी होगा उसमें 604 एक दिया होगा। ये 100 मीटर पर रहता है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहता है वो 100 मीटर पर रहता है। 1000 मीटर के बाद फिर चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1000 मीटर के बाद फिर 600 0 6 0 5 आ जाएगा, उसका मतलब 605 हो जाएगा फिर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद 604 हो गया, 605 हो गया, 606 हो गया, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाता है। और टीपी है जो 600 मीटर पे रखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 करके। ये सब किलोमीटर रोड के किनारे भी दिया हुआ रहता है, जैसे हाईवे हो गया चाहे और दूसरा भी रोड हो गया, रोड के किनारे ऐसा किलोमीटर दिया हुआ रहता है, 604 5 ऐसा करके दिया हुआ। और ये सब किलोमीटर कहाँ से स्टार्ट होता है, चलिए ये भी मैं बताता हूँ आप सबको। ये सब किलोमीटर हो गया, डिवीज़न हो गया, चाहे जोन हो गया, मेरा तो मुंबई जोन है और सोलापुर डिवीज़न हुआ, चाहे जो इस रूट में सबसे बड़ा सिटी है सोलापुर हो गया, चाहे पुणे हो गया, वहाँ से स्टार्ट होता है ये सब किलोमीटर। जैसे यहाँ पे 603 9 है, तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ होगा वहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ होगा और इधर आया है 603 करके। और आगे जैसे फिर इसे इसके आगे आ गया सिकंदराबाद आ जाता है, फिर सिकंदराबाद से फिर चेंज हो जाएगा इसका किलोमीटर। इस तरह से किलोमीटर दिया हुआ रहता है दोस्तों, मैं आप सबको दिखाया और बताया भी। ये जो मेरा जो स्टेशन है, ये सोलापुर डिवीज़न का लास्ट स्टेशन है मेरा, यहाँ से फिर दूसरा जोन अथी डिवीज़न चालू हो जाता है, सिकंदराबाद डिवीज़न हो गया, इधर गुंदकल डिवीज़न हो गया, बेंगलोर में आता है गुंदकल डिवीज़न, और इधर दो यहाँ से दो रूट निकल जाता है, एक सिकंदराबाद चला जाता है और एक चला जाता है इधर चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, उधर चला जाता है, तो उधर का किलोमीटर चेंज हो जाएगा, फिर इधर सिकंदराबाद जाएगा तो उधर का किलोमीटर चेंज हो जाएगा। सब भी किलोमीटर के हिसाब से ही काम करते हैं, जैसे ट्रैक के बाजू में दिया हुआ रहता है टीपी और किलोमीटर दिया हुआ रहता है, जैसे कहीं पे ट्रैक में कुछ ख़राबी हो गया चाहे ट्रैक बैठ गया तो साहब चेक करते हैं और वो मुकदम को बताते हैं कि हाँ भाई इतना किलोमीटर में इतना टीपी के पास ये ट्रैक बैठा हुआ है, जाके वहाँ अटेंड करो, फिर उसी के हिसाब से हम सब आते हैं पूरा गैंग और टीपी के हिसाब से ही करते हैं कि हाँ इतना टीपी में यहाँ पे ख़राबी है। चलिए अब लंच वंच कर लेते हैं, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया है दोस्तों, लंच तो आज इधर ही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दीपाली की मम्मी रूम पर अभी नहीं है, गई है दीपाली को लाने के लिए, तो आज इधर ही होटल में कहीं नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर 4 बजे जाएंगे, 4 बजे नहीं 5 बजे जाएंगे तो फिर दीपाली से मिलेंगे। और आज के ब्लॉग में मैं आप सबको बताया किलोमीटर के बारे में, टीपी के बारे में, ट्रैक के बाजू में जो टीपी रहता है उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। और आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे मिलेंगे। और वीडियो मेरा कैसा लगता है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बेल आइकन रहता है उसको ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता नहीं खाना खाएंगे, नाश्ता तो सुबह कर लिए थे, ठीक।
ठीक है, बाय दोस्तों, कल के ब्लॉग में फिर मिलेंगे आप सबसे, ठीक है, बाय।